क्लास 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रियल नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के नाइन्थ क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, बिना लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज किए, यानी कि डायरेक्ट आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं देना है, विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टोटली कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ना कटे। तो ना कटने में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट होता रहता है या फिर नहीं होगा, उसके बेसिस पे बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसके लिए अपने आंसर के लिए रीजन भी आपको सिंपली बताना है। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं कितना है, हमारे पास नंबर है 987 डिवाइडेड बाई 10500। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ना। तो क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे ये 5 से डिविजिबल होगा, बट ये नहीं होगा, ये 2 से होगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी होगा, ये 3 से 3 से होगा क्या, देख लेते एक सेकेंड, 3 से 3 जा 9 2 से, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 के टेबल में इसको कैंसिल करते हैं, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, दैट इज 3500। ये 3 के टेबल में कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, दैट इज 329, है ना, 329। अब ये 5 से नहीं, ये 7 के टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो 7 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आएगा, 500 टाइम्स में। ये 7 के टेबल में कितना, 7 जा 9 नहीं 7 जा 7 जा, तो ये हमारे पास अब तो 47, तो हमारे पास ये नंबर कटता ही नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 47 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, तो यहां तक हमारा पहुंच चुका है। अब हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए नीचे वाले का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ऊपर वाले से यानी न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सारा काम डिनोमिनेटर पे करना होता है। तो 500 को अगर आप करो तो 2 फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 5, वो मन में आप कर सकते हो। ठीक है, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 25 जा 100 105 जा 500, ये आ गया हमारे पास। मिटा क्यों दिया भाई, तो 47 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यही फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 47 डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हो, डेट इज 2 to the power 2 × 5 to the power 3। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 2 × 5 to the power 3। अब जब भी डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला पार्ट की अगर हम लोग बात करें, जब भी डिनोमिनेटर 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में होगा, जब भी डिनोमिनेटर जो होगा 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में होगा, तो ये सिंपली कैसा होगा, क्योंकि जब भी ये टाइप्स का अगर आपको देखने को मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। कैसा होता है बोलो हमारे साथ, टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद क्या पूछा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए सिंपली आपको रीजन बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहां पर लिख देंगे कोई विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिविजन, इफ इतना भी टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हाँ तो लिख देंगे, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर, पूरा लिख लोगे आप, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, 2 to the power m × 5 to the power n। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।